नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह मोलस्काई में आपका स्वागत है। संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए जतिया का व्रत रखा जाता है। 3 दिन तक निर्जला रखे जाने वाले इस व्रत को बिहार, बंगाल और झारखंड में बड़े ही उमंग और उत्साह के साथ मनाते हैं। ये व्रत बहुत ही कठिन होता है क्योंकि इसमें महिलाएं निर्जला रहती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत रखा जाता है। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन निर्जला व्रत और तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। इस साल ये व्रत 18 सितम्बर को रखा जाएगा। ये व्रत 18 सितंबर की रात से शुरू हो रहा है और 19 सितंबर तक रहेगा। 3 दिन तक महिलाएं पूजा पाठ करके अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या खाना शुभ होता है, चलिए आपको बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मछली खाकर व्रत रखना शुभ होता है, इसलिए महिलाएं मछली खाती हैं, लेकिन जो शाकाहारी हैं वो इसे नहीं खाती। इस व्रत को रखने से पहले महिलाएं गेहूं के आटे की रोटी खाने के बजाय मरुआ के आटे की रोटियां खाती हैं। मरुआ के आटे की रोटी के साथ बिहार के मिथिला क्षेत्र में मछली खाने की परंपरा है। शाकाहारी महिलाएं इस व्रत में झिंगनी की सब्जी खाती हैं। इस व्रत में झिंगनी के पत्तों पर पूजा करने का भी विधान है। नोनी के साग में कैल्शियम और आयरन प्रचुर मात्रा में होने के कारण यह व्रती के शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होने देता। व्रत के बाद महिलाओं को अक्सर कब्ज की समस्या हो जाती है, ऐसे में व्रत से पहले ही नोनी का साग खा लेने से पाचन ठीक रहता है। इस व्रत में सरसों के तेल से बनी सब्जी खाई जाती है। पूजा के दौरान जीमूत वाहन को सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है। व्रत का पारण करने के बाद यह तेल बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के तौर पर लगाते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।